अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड हो तो जो आज का वीडियो है ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी ज़रूर होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 अलग अलग ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, जहां से कि आप घर बैठे आपका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनल खुद की ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ आप कर सकते हैं। आज टॉप 20 ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके आपको मैं बताने वाला हूं। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट पे है वो है मेरा सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेलिंग। आज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें सेकंड हैंड सेल होती है, तो उसके अंदर आपको भी सेकंड हैंड चीज़ों को सेल करना है ऑनलाइन, जैसे कि OLX, क्विकर, फेसबुक, इन सभी के ऊपर आपके सेकंड हैंड प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं। तो आपको जो भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ पे सेल आउट करना है। आपके घर के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को लो प्राइस के अंदर बाय करके उनको अच्छे खासे प्राइस पे ऑनलाइन जो OLX एंड क्विकर जैसी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर उनको सेल कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज के टाइम के ऊपर 100+ ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर जो सिर्फ यही काम करते हैं और उनका पर ईयर का जो रेवेन्यू है 20 करोड़ से भी ज़्यादा चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस फील्ड के अंदर कितना ज्यादा स्कोप जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सेकंड तरीके की। सेकंड तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग। मैंने ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप जाके उन सभी को चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। अफिलिएट मार्केटिंग से आप हर महीने लाखों रुपए निकाल सकते हो। इंडिया के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग काफी स्पीड से बूस्ट मार रहा है, जो कि काफी लेट है इंडिया में, लेकिन अब धीरे धीरे उसको यूथ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और वहां से अच्छी खासी अर्निंग को भी जनरेट कर रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर, यूट्यूबर या फिर बहुत सारे अफिलिएट एक्सपर्ट ऐसे हैं जो महीनों के लाखों रुपए सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग करके छाप देते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होगा आपके लिए। बात करते हैं तीसरे नंबर के तरीके की, सेल फोटोज ऑनलाइन। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जहां से कि आप सिर्फ घर बैठे आपके फोटोज को सेल आउट करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। अब फोटोज को आप आपके कैमरा के अंदर शूट करें या फिर आपके मोबाइल से शूट करें, आज के टाइम पे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा और इतना कैपेबल होता है कि आपको अच्छी अल्ट्रा HD क्वालिटी के अंदर पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं और वहां से अगर आपकी फोटोग्राफी अच्छी है तो उन फोटोज को अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं। Shutterstock, इमेज बाजार, अलामी जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप आपके फोटोज को सेल आउट कर सकते हो और हर महीने लाखों रुपए निकाल सकते हो। तो जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन है ये तरीका उनके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बिकम इन्फ्लुएंसर। आज के टाइम के ऊपर इंडिया के अंदर जो इन्फ्लुएंसर वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों भी नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको इस चीज के बारे में आइडिया हो गई। बहुत सारे लोग रील्स क्रिएट करते हैं, यूट्यूब से भी हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी हो गया, वो अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने नाम की एक ब्रांड क्रिएट करनी है। इन्फ्लुएंसर का मतलब यही है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ किसी भी चीज के लिए और वो सामने वाले बंदे आपकी बात माने। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख के आसपास है, फेसबुक पेज पे अच्छे खासी रीच है, स्नैपचैट के ऊपर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब पे भी आपका अच्छा खासा चैनल है, तो आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आपकी बात में वो पावर होगा तो ब्रांड आपके पास आएंगे, प्रमोशन करवाएंगे और वहां से आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर काफी स्पीड से ग्रो हो रहे हैं और लास्ट के 4 ईयर में जो ग्राफ है वो बहुत ही स्ट्रेट अप की साइड जा रहा है। तो आप सोच सकते हो इन्फ्लुएंसर के अंदर कितना ज्यादा स्कोप है, वहां से आपका एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं 5th नंबर के तरीके की, बिकम एन एक्सट्रीम कूपनर। इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे ब्रांड्स होती है जिनके अपने अपने कूपन्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई या फिर कोई अलग पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो एक बियर्डो कंपनी है, उसका कुछ एक जेल लॉन्च हुआ है और उसके ऊपर कुछ उन्होंने कूपन भी लॉन्च किए हैं, तो उन सभी कूपन्स को आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट के कूपन को सर्च करना है जिसके ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट कूपन्स होंगे। अब उन सभी कूपन्स को आपको क्या करना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है, फेसबुक पेज ओपन करना है और यूट्यूब चैनल ओपन करना है। आज के टाइम पे काफी सारे लोग ये चीज कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, हर वीडियो को क्रिएट करना है, पोस्ट को क्रिएट करना है और वहाँ पे उस ब्रांड के कूपन को वहाँ पे शेयर करना है, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग फेज होगा। जैसे जैसे आपके जो रीच है वो क्रिएट होती जाएगी, जैसे जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक पेज क्रिएट होता जाएगा, उसकी रीच बढ़ती जाएगी, आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ब्रांड खुद आपके पास आएंगी उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा खासा तरीका है। आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कूपन को सर्च करें स्टार्टिंग फेज के अंदर, कूपन को लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें कुछ प्रॉफिट दें, उन्हें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करें। अगर आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, उसका आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो, ब्रांड डायरेक्टली आपसे कॉलैब करेंगे और ब्रांड इस चीज का आपको हजारों लाखों रुपए देती है एक एक पोस्ट का, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। बात करते हैं हमारे 6th नंबर के तरीके की। 6th नंबर का तरीका है प्ले गेम्स ऑनलाइन। आज के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 30% के साथ ग्रो हो रही है। इंडिया के अंदर ही जियो हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, हर किसी का स्टेटमेंट यही है, यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट
भी यही सपोर्ट कर रही है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गेम डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन गेमर आए। आज के टाइम पे आप देख सकते हो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी एक सेक्शन अलग से सिर्फ इसका होता है, ऑनलाइन गेमिंग का। आज के टाइम पे जो यूथ है ऑनलाइन गेमिंग से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इंडिया के अंदर 50 प्लस क्रिएटर ऐसे निकले हैं, यूट्यूब क्रिएटर ऐसे निकले हैं जो गेमिंग करके हर महीने का वो 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। ये मैं नहीं, ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है। तो ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इसको अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको कि हर कोई आज के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं हमारे 8th नंबर के तरीके की, बिकम अ ट्रांसलेटर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसलेटर मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज देखते होंगे, बहुत सारे शॉर्ट मूवीज देखते होंगे और बहुत सारी मूवीज देखते होंगे, उन सभी के अंदर नीचे सबटाइटल्स शो होते हैं। तो बस आपको यही काम करना है, आपको जो मूवी, आपको जो शॉर्ट क्लिप दिख रही है, जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उनका आपको ट्रांसलेशन करना है और नीचे उसका कैप्शन जो आपको लिख के देना है। क्लाइंट आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि upwork.com हो गया, freelancer.com हो गया, fiverr.com हो गया। तो ये तो वो वेबसाइट है जो मुझे याद है और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स पड़ी हुई है जो आपको इस तरह काम ला के दे सकती हैं। तो ट्रांसलेशन करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप आपका अच्छा खासा फ्यूचर सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे 9th ऑनलाइन अर्निंग तरीके की, बिकम अ पॉडकास्टर दैट्स पे यू। मतलब कि आज के टाइम पे पॉडकास्ट की भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। आज से अगर हम 20 साल पीछे मुड़ के देखें तो पॉडकास्ट ही था जिसको लोग बहुत सुनना पसंद करते थे, जैसे कि रेडियो। रेडियो FM भी एक तरह से पॉडकास्ट ही था, मतलब कि लोग उसको सुनते थे और सारी इन्फॉर्मेशन वो पॉडकास्ट के थ्रू ही लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ वापस आ रही है, पॉडकास्टिंग जैसे कि एंकर ऐप हो गई, यहाँ पे आप अच्छी खासी पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। यूट्यूबर, काफ़ी सारे यूट्यूबर सिर्फ पॉडकास्टिंग ही करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप पॉडकास्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोप होगा आपके लिए। बहुत सारे न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है पॉडकास्टिंग की। इंडिया के अंदर ही 5 से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे आ चुके हैं जो पॉडकास्टिंग को लेकर ही अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे पॉडकास्टर उनको वहां पे लिस्ट किया है और वहां से उनकी इनकम भी होती है। पॉडकास्टिंग के कुछ एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे 10th ऑनलाइन अर्निंग तरीके की, बिकम अ कॉपीराइटर। कॉपीराइटर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं जो आज के ऊपर सारा काम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते हैं मतलब कि उनके वेबसाइट्स होती है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस होते हैं काफ़ी सारे। तो इस तरह के लिए उनको कॉपरेटर्स चाहिए होते हैं। कॉपरेटर्स का मतलब वो कुछ भी एक कैंपेन फॉर एग्जांपल रन कर रहे हैं या फिर कुछ एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर परफेक्ट लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक ही प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से उसको लिखना, उसको शेयर करना लोगों के साथ, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, हर चीज़ जो होता है वो कॉपीराइटर करते हैं। मतलब कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, एक तरह समझ लीजिए, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए या फिर एक अच्छा खासा राइटर चाहिए जो आपका ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, आपको अच्छे से हर कैंपेन के बारे में एक अच्छी सी लैंग्वेज क्रिएट करके दे सकता है। कॉपरेटर का जो स्कोप है आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली लास्ट 2 साल के अंदर। तो कॉपरेटर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर आपको बहुत ही अच्छा लिखने आता है, आप बहुत ही अच्छी राइटिंग कर सकते हो, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, तो ये जो स्कोप है वो आपके लिए है। तो आप कॉपरेटिंग करके भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। अब बात करते हैं 11th ऑनलाइन अर्निंग तरीके की, बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। देखिए ऑनलाइन ट्यूटर लास्ट 3 साल से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। जब से कोरोना आया है तब से तो ऑनलाइन ट्यूटर का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग यूट्यूब से ये चीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग अपने पर्सनल क्लासेस रखते हैं, बहुत सारे जूम कॉल से करते हैं और बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन ट्यूटिंग का काम करते हैं। मतलब कि आपको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना होगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ानी, आपको ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि ड्राइंग क्लासेस होगी, गिटार क्लासेस होगी, डांस क्लासेस होगी, कुछ भी तरह की एजुकेशनल क्लासेस होगी, ऑनलाइन अर्निंग की क्लासेस होगी, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस होगी, यूट्यूब मार्केटिंग की क्लासेस होगी, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है उसकी क्लासेस होगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे अलग अलग क्लासेस आप सेटअप कर सकते हो जिसके अंदर भी आपको अच्छा खासा नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जिसको कि सिलाई का नॉलेज है, तो वो भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग का काम कर सकती है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू, या फिर अपने नॉर्मल लोगों से कॉन्टैक्ट करके वहां से भी उसको स्टार्टिंग में बूस्ट दे सकती है। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा है आज के टाइम के ऊपर। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में अगर आप सेट होते हो तो आपको कंटिन्यूसली आपका जो बैच है वो बढ़ता जाता है और आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूटरिंग से कमाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका काम चल जाता है तो आप उस आपकी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हो, यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हो। मतलब कि इसको आप धीरे धीरे आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी इसको सेटअप कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। बात करते हैं 12th ऑनलाइन अर्निंग के तरीके की, क्रिएट और ऑनलाइन कोर्स। देखिए ये मिलता जुलता है ट्विटर से,
मतलब कि ट्यूटरिंग के अंदर क्या होता है कि आपको लाइव क्लासेस लेनी पड़ती है, ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक कोर्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोर्स क्रिएट करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, तो मैं एक कोर्स क्रिएट करूँगा जिसकी वैल्यू है 455 रुपये या फिर 500 रुपये। अब इसको मैं अलग अलग जगह प्रमोट करूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इसकी कैंपेन एड करूंगा और अच्छी तरीके से इस कोर्स का मैं प्रमोशन करूंगा। अब जो भी लोग इस कोर्स को बाय करेंगे वो इस कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 20 चैप्टर रखे हुए हैं और 20 क्वेश्चन पेपर भी रखे हुए हैं, जैसे कि लोग क्वेश्चन आंसर करके सीख भी सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, वीडियोज हैं, हर एक वीडियो 1-1 घंटे का है, तो वो कोर्स को बाय कर सकते हैं, लाइफ टाइम उसको एक्सेस मिल जाएगा इस चीज़ का। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम के ऊपर। बहुत सारे मतलब कि हर एक फील्ड के अंदर कोर्सेज जो है बाय होते हैं। अगर आप एजुकेशन के अंदर जाओ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाओ, हर एक चीज़ जिससे कि आप कुछ सीख सकते हो उसका एक कोर्स क्रिएट हो सकता है। तो आप ऑनलाइन अपने खुद का कोर्सेज क्रिएट करके आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। कोर्सेज में सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है एक अच्छा खासा नॉलेज। अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर 110% कंप्लीट नॉलेज है तब उसका एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो और लोगों को सेल कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन अर्निंग का। कोर्स क्रिएट करके भी आपको ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपका कोर्स सेल होता है तो आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर कोर्स क्रिएट कर सकते हो, आपकी टीम बना सकते हो, उस पर हर एक कैटेगरी को धीरे धीरे कवर भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन अर्निंग को ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करने का। तो बात करते हैं हमारे 13th पॉइंट की, पब्लिश अ ऑनलाइन बुक या फिर PDF बुक। मतलब कि आज के टाइम के ऊपर PDF बुक बहुत ज़्यादा सेल होती है। लोग फिजिकली पढ़ने से ज़्यादा पसंद करते हैं मोबाइल के ऊपर डिजिटली पढ़ना, जैसे कि प्ले बुक्स हो गया, आप वहाँ से भी अच्छी खासी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर के ऊपर ही इतनी सारी बुक्स हैं कि आप वहाँ से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिनकी प्राइसिंग होती है 49 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़। डिपेंड करता है कि बुक कैसी है, बुक के अंदर कंटेंट कैसा है और उस कंटेंट की वैल्यू क्या है। तो आप अच्छी खासी बुक्स को क्रिएट करके, आपको जिस फील्ड के अंदर नॉलेज है उसकी एक बुक क्रिएट करके, एक PDF क्रिएट करके उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आप सिर्फ प्ले स्टोर के थ्रू नहीं, इसके अलावा भी 10+ ऐसे अलग अलग पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि जाके आप आपकी बुक्स को सेल कर सकते हो। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले से मेरे चैनल के ऊपर बना के रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप किस तरह से अपनी बुक्स को सेल करके वहाँ से अच्छे खासी कमाई को जनरेट कर सकते हो। इसको भी आप आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप ये चीज़ आपकी चल जाती है और अगर आप 3 से ज़्यादा बुक को पब्लिश करते हो। बात करते हैं हमारे 14th पॉइंट की, 14th पॉइंट है बिकम अ यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर भी एक ऑनलाइन अर्निंग का तरीका है और यहाँ से आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से सेटअप कर सकते हो। यूट्यूबर बनने के बाद अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हो और वहाँ से अब आपकी लाइफ टाइम की अर्निंग जो है वो सेट हो चुकी है। आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी, लोग आपको पहचाना चालू कर देंगे, आपके पास ब्रांड प्रमोशन आएंगे, आपकी यूट्यूब से अर्निंग होगी, आपकी अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग होगी, आपकी ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग होगी, हर एक चीज़ मतलब हर दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ आपका दिमाग लगाना है, आपको अलग अलग तरीके ट्राई करने हैं, उसको आप आपके अच्छे खासे ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे यूट्यूबर बनना सिर्फ यूट्यूबर बनना नहीं है, यूट्यूबर बनना मतलब कि आपका एक खुद का स्टार्टअप, आपका एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना ही यूट्यूबर होता है। तो उसको अगर आप समझ जाएं तो आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो पाएंगे। तो भी काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग को ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। बात करते हैं हमारे 16th पॉइंट की, ब्लॉगर। ब्लॉगिंग करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, ब्लॉगर के थ्रू। आज के टाइम पे इंडियन यूथ के अंदर अभी तक तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से तो मानो ऐसा बूम आ गया है कि हर किसी का अपना एक ब्लॉग है और वहाँ से आपकी अच्छे खासी कमाई होती है। कमाई वहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका सेटअप करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो ब्रांड प्रमोशंस आएंगे वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके होते हैं अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट हैं, आपको राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। ब्लॉगिंग को तो आप बहुत ही बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपका ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा चलता है, आपका ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। तो मान लो ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टार्टअप के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो। तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज लेके आने वाला हूँ, उस सीरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही जल्द मैं उस सीरीज को लॉन्च करने वाला हूँ। बात करते हैं अब 16th पॉइंट की, 16th पॉइंट है क्रिएट एप्लीकेशन। अब ऐप को बना के या बनवा के आप प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करके वहाँ से अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की ऐप बनाओ, आप सिंपली 10,000, 15,000, 20-25,000 की एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हो जो एक कॉपी एप्लीकेशन होती है। तो आपको उस ऐप के ऊपर गूगल एड्स लगानी है और वहाँ से आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो और इसको आप आगे जाके आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके 5,000+ डाउनलोड हो चुके हैं मतलब कि समझ जाओ कि अब आपकी ऐप जो है वो हवा में उड़ने वाली है, लेकिन 5,000 डाउनलोड्स तक आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो ये
काफी अच्छा खासा ऑप्शन है ऑनलाइन अर्निंग का, जिसको आप आगे जाके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे 17th पॉइंट की। 17th पॉइंट है क्रिएट गेम्स एंड अर्न। आज के टाइम के ऊपर जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि गेमिंग इंडस्ट्री काफी स्पीड से बूस्ट मार रही है, लेकिन आप गेमर ना बन के गेम क्रिएटर बन जाओ, मतलब कि आप गेम को पब्लिश करो, तो आपकी अर्निंग जो है वो उन गेमर से भी डबल ट्रिपल हो सकती है। ट्रिपल क्या, होने ही वाली, सकती की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप खुद ऑनर होंगे तो उस गेम के थ्रू आप हर महीने हर साल लाखों करोड़ों निकाल सकते हो। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है और गेमिंग बहुत ही ज़्यादा ऐप में डाउनलोड की जाती है और एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग रोज़ाना खेलना या रोज़ाना यूज़ करना पसंद करते हैं। और अगर उस ऐप के ऊपर 2-3 हज़ार डाउनलोड भी हैं और सारे एक्टिव यूजर हैं, 2000 लोग डेली खेल रहे हैं और आपका एड मॉप की एड वहाँ पे लगी हुई है, तो आप हर महीने 1-2 लाख तो इजीली निकालोगे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोप होगा अगर आप खुद का एक गेम लॉन्च करते हैं। तो बात करते हैं 18th पॉइंट की, स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस दो तरीके का होता है, या तो आप खुद की वेबसाइट लॉन्च करो, खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करो, खुद की ऐप लॉन्च करो, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका होता है कि आप कुछ भी लॉन्च नहीं कर रहे हो, लेकिन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो जैसी एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो ई कॉमर्स आप दो तरीके से कर सकते हो, आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि Amazon, Flipkart है। लेकिन अगर आप इस धंधे में नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा टीम चाहिए आपको, एटलीस्ट 10-15 लोगों की टीम चाहिए होगी, बहुत ही अच्छा नेटवर्क चाहिए होगा, उसके बाद ही आप चीज़ को कर सकते हो। और यहाँ पे आप कर सकते हो सिर्फ आपको Amazon, Flipkart, Meesho जिसी एप्लीकेशन के ऊपर आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन बिजनेस आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बड़ा स्टार्टअप भी हो सकता है अगर आप इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, तो ये ऑनलाइन अर्निंग आपको करोड़ों कमा के दे सकती है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। बात करते हैं हमारे 19th पॉइंट की। हमारा 19th पॉइंट है फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना। देखिए, ये चीज तो आप तभी करवाओगे जब आपके पास पैसा होगा, लेकिन आज का यूथ जो है उसके अकाउंट में अगर 500 या 1000 रुपए भी होते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करता है और वहां पे वो पैसा लगाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप ये चीज़ करने का सोच रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास साइड पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, उसके बाद ही अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज भी हो चुका है, आपने कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब कि इसके भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप कोर्सेज को बाय भी कर सकते हो यूडियो के ऊपर जाके, तो अगर आपको उस फील्ड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो ही अभी चीज़ करना। और इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें आप हार भी सकते हो, इसमें आप जीत भी सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रखता है। मैं इसका सजेशन देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये टॉप 20 की लिस्ट में आ रहा था तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मैं इसका सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। बात करते हैं हमारे 20th पॉइंट की। 20th पॉइंट है हमारा रीसेलिंग बिजनेस। मतलब कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि ग्लो रोड एप्लीकेशन हो गई, शॉपिफाई हो गई या फिर मीशो हो गई, इन सभी के ऊपर वहाँ पे प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल होते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, 500 का टी शर्ट है, उसको आप 700 के प्राइस टैग के ऊपर सेट करते हो और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो वहाँ से अगर लोग बाय करते हैं तो उनके पास प्रोडक्ट जो जाएगा उसके ऊपर भी वही रेट लिखी होगी जो रेट आपने उनको बताई है, तो वो भी 700 रुपये ही होगा, एड्रेस भी उनका होगा, उस कंपनी का नाम भी बीच में नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, रीसेलिंग का बिजनेस है, ऑनलाइन रीसेलिंग कर सकते हो, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको 10 ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जो रीसेलिंग बिजनेस के काम आ सकती है, आपके अब रीसेलिंग काम स्टार्ट कर सकते हो, एक ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो रीसेलिंग के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल के ऊपर आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीसेलिंग के थ्रू आप हर महीने हजारों लाखों रुपए निकाल सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आप किस तरह से काम करते हैं, आप किस तरह से इसकी मार्केटिंग करते हैं, इन सभी की चीज के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 ऑनलाइन अर्निंग के तरीके। आई होप कि एक तरीका तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आया होगा और उससे आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते होंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको 20-20 तरीके पसंद आए हैं, या फिर आप कुछ और तरीके भी फाइंड कर रहे हैं। अगर आप कुछ और तरीके फाइंड कर रहे हैं, ये 20 भी पसंद नहीं आए आपको, तो और भी तरीके अवेलेबल हैं मेरे पास, लेकिन उसका वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा, पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू कब आएगा ये मैंने आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, हो सकता है 15 दिन बाद आए, हो सकता है 1 महीने बाद आए, तो वो पार्ट टू के बारे में जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, उसके पास में घंटी है उसके ऊपर भी क्लिक कर देना, उससे क्या होगा नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये टॉप 20 तरीके आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके अलावा भी कुछ आइडिया आपके पास भी हो ऑनलाइन अर्निंग का तो मुझे जरूर सजेस्ट करना, तो मैं ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचा पाऊं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।